नमस्कार, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं बिग स्काई स्टूडियो से ये भारत की बात है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव इटैली का रहने वाला हूँ। आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में है, जो आपकी नजर है वही मेरी नजर है। इसलिए जब मैं भारत की बात कहता हूँ तो टंके की चोट पर कहता है, आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ, क्योंकि विकास भारत की बात करता है, देश की बात कहता है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। विकास को गए आज 2 साल हो गए। विकास अपनी यादों के जरिए, अपने काम के जरिए, इस स्टूडियो के जरिए और न्यूज रूम के जरिए हमेशा हमारे और आपके बीच में रहेंगे। आपके फेवरेट एंकर विकास की जिंदगी संघर्षों से भरी थी और इन्हीं संघर्षों के साथ विकास ने जंग भी लड़ी। लेकिन विकास बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सब की यादों में है और हमेशा हमेशा रहेंगे। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से विकास को यह छोटी सी श्रद्धांजलि। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को चाहिए मोदी। दुनिया का हमारा सहारा सिर्फ एक, मोदी ही सहारा। यह हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान से आवाज आ रही। शहबाज शरीफ पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं, कंगाली और बदहाली का आलम आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए। लेकिन पाकिस्तान से एक आवाज उठ रही है और वो आवाज है, अगली तस्वीर दिखाइए, कि मोदी बचा सकते हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा है मोदी जी बचा लो, लेकिन मोदी ने 4 साल पहले पाकिस्तान का मुकद्दर तय कर दिया था कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, और 4 साल बाद दुनिया ये तस्वीर देख रही है, खुद पाकिस्तान देख रहा है। इसीलिए अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है मोदी ने सही कहा था। रिपोर्ट देखिए जरा। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? मोदी ने पाकिस्तान की भविष्यवाणी तो 4 साल पहले ही कर दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में आटे पर लात घूसे चलेंगे, पाक दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, शाबाश कटोरा लेकर घूमेंगे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया दोस्त। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में ही कह दी थी। आज पाकिस्तान भुखमरी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोई भीख तक देने को तैयार नहीं। चीन, अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब सभी ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। तो मोदी से पंगा, भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया दोस्त। ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? शाबाश, दुनिया में भीख मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन शाबाश के कटोरे को दुनिया के देशों ने ठोकर मार दी है। इसलिए पाकिस्तान के पीएम को भीख मांगने में भी शर्म आने लगी है।
पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। अब पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। पाक के लोगों को मोदी से ही उम्मीद है, मोदी से ही गुहार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मोदी जी बचा लो। इंडिया में ना एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ आ रहा है कि उनके अंदर के हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये हमारे सियासतदानों और हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज़ आना चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत ही बेहतर तरीके से अपने मुल्क को चला भी रहा था और अभी चला भी रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने मफाद के लिए किसी और के मफाद पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्योंकि उनकी स्टार्टअप्स जो है, मोदी जिस वक्त आया था उनके स्टार्टअप 300 थे, अब वो 500 तक पहुंच गए। पाकिस्तान के लिए फ़ायदा तब होगा जब यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से उनसे जाकर खुद मुलाकात करें, उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करें। वो तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने तो दावत दी है कि हमसे हम जो है वो ताल्लुकात बेहतर करें, अब हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग उनसे किस तरह से जाकर बातचीत करें, किस तरह से उनसे मिलें। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ जब सोचिए पाकिस्तान को मोदी की जरूरत है। लेकिन एक विजुअल दिखाऊंगा मैं कि पाकिस्तान की संसद में एक सांसद रोटी लेकर चला गया। पाकिस्तानी किसी मुल्क में आज तक नहीं हुआ होगा कि सांसद रोटी लेकर संसद में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान में सभी क्या कह रहे हैं, मोदी से कहो अब मोदी बचाएंगे। देखिए कौन कौन कह रहा है कि डूबती नाव को शाबाश के मोदी का ही सहारा है। देखिए ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं, शाबाश को देखिए जरा, नाव की हालत जो आप देख रहे हैं यही पाकिस्तान की हालत है, कब नाव डूब जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए कौन कौन क्या कह रहा है पाकिस्तान में राजनेता क्या कह रहे हैं। शाबाश शरीफ ने पिछले महीने ये बयान दिया था, 3 युद्ध हम लड़ चुके हैं, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, शाबाश जानते हैं मोदी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। पूर्व पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कारोबारी पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं, पाक कारोबारियों ने शाबाश सरकार से मांग की है, भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, कारोबार बहाल करें, पेट भरने के लिए भारत से गेहूं का आयात जरूरी है, भारत से गेहूं मांग लो। इस्लामाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का बयान है, रूस या दूसरे देशों के बजाय भारत बेहतर विकल्प है, भाई वहां से मांग लो। भारतीय गेहूं का स्वाद पाकिस्तान के गेहूं जैसा है, सीमाएं जुड़ी होने से ढुलाई का खर्चा भी कम आएगा, रूस या यूक्रेन से गेहूं मंगवाना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, पाकिस्तान को तुरंत 25 लाख टन गेहूं की जरूरत है। पाकिस्तान के पत्रकार क्या कह रहे हैं, देखिए पत्रकार कह रहे हैं, सिंध के वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद अली ने कहा भारत ही पाकिस्तान को राहत दे सकता है, कारोबार शुरू होने से महंगाई कम हो जाएगी, सरकार भी जानती है भारत का साथ कितना जरूरी है। पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, पाकिस्तान में भी पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं ये लोग, उनकी कार्यशैली और देशभक्ति के भी कायल हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, लोगों का कहना है भारत पाकिस्तान एक जैसे, ऐसे में संकट के समय भारत से ही मदद मांग लेनी चाहिए, पीएम मोदी से मदद मांग लेनी चाहिए। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके पॉलिटिशियंस में ये फ़र्क है कि वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस के लिए ये फ़र्क है कि भाई अपने जेब के लिए काम करते हैं, अपनी नस्लों को बनाने के लिए काम करते हैं। भाई हमें भी नरेंद्र मोदी के जैसे एक हुक्मरान की ज़रूरत है जो कि अपने मुल्क के साथ लोयल हो, उससे पहले हमें खुद अपने मुल्क के साथ लोयल होना पड़ेगा। मैंने इंस्टाग्राम पर मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को, वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ बना रहा है, ठीक है उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें। इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया की जो है क्या से कहते हैं वो हमसे काफ़ी आगे है, ठीक है हम आपके सामने हैं, जीरो हैं बिल्कुल, ठीक है करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। अब वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। उन्होंने एक चाय वाले ढाबे से काम करते हुए PM बने, तो अपनी पॉपुलेशन को देखा तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वो उन्होंने लद्दाख में काम किया, उन्होंने कश्मीर में वो इन्वेस्टमेंट लाए, तो उन्होंने बहुत दंगे फसाद हुए उसको कंट्रोल किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे, उसने 370 ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है आप देखें सिंसियरिटी है,
कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें बिल्कुल सेम एज इट। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। मोदी की अगर बात करें तो मोदी एक क्लास का नाम है इंडिया के लिए। मोदी एक समझ लें कि तैयब उर्दगान है, लोग उसे पूछते हैं, लोग उसे मानते हैं, और इंडिया के लिए वो आउटस्टैंडिंग मैन है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा जा। अभी इंडिया में आप देख लीजिए, गाड़ी से लेके मोबाइल से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो लोग अपनी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जो लीडर हैं, हुक्मरान हैं, वो सनसेर हैं अपने मुल्क के साथ। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। दुनिया की किसी भी चीज़ पर आप देख लें इंडिया पावरफुल है। गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल। भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भारत से, मोदी से पंगा पाकिस्तान को क्यों महंगा पड़ा है। इतना महंगा पड़ा है कि बदहाली और कंगाली आ गई है। उसके पीछे वजह यह है कि भारत ने कारोबार बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, तो पाकिस्तान कहां गया? दूसरे देशों से खरीदने लगा। अब देखिए जरा दूसरे किन देशों से खरीद रहा था, ये आप देख रहे हैं। भारत ने, थोड़ा जूम आउट करिए इसे, भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार बंद कर दिया। व्यापार बंद करने से हुआ क्या कि कोई भी शिप, कोई भी माल, कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रक माल लेकर पाकिस्तान नहीं जा रहा था। तो पाकिस्तान कहां से मंगवा रहा था, देखिए जरा, दूसरे देशों से। कौन कौन से देश से माल आ रहा था आप देखिएगा, शिप पर लिखा हुआ है नाम, यूएई से घी आ रहा था, यह अलग अलग मुल्कों से आ रहा था, यहां से खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया। मोदी सरकार के फैसले का पाकिस्तान ने विरोध किया और पाक ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। भारत को अकड़ दिखाना पाक को इतना महंगा पड़ा कि कंगाल हो गए। 4 साल में पाकिस्तान तबाह हो गया। दूसरे देशों से सामान आयात करना महंगा पड़ गया। भारत से वही सामान कम कीमत में मिल रहा था। भारत ने श्रीलंका, नेपाल, यूएई को कम कीमत में गेहूं बेचा। पाक क्या कर रहा था सोचिए जरा, रूस से महंगे दामों पर गेहूं खरीद रहा था। रूस से गेहूं लाने में आयात का खर्चा और बढ़ गया। पाकिस्तान के पास $3 अरब ही बचे हैं। गेहूं और चीनी मंगवाने पर खजाना लुट गया सारा। पाकिस्तान में 1 किलो चीनी ₹100 में मिल रही है। पाकिस्तान दुबई की रिफाइनरी से चीनी खरीद रहा है। पहले पाकिस्तान भारत से घी मंगवा लिया करता था, अब महंगे दामों पर देखिए जरा, रूस से गेहूं जा रहा है शिप में, महंगे दामों पर सिंगापुर, यूएई से चीनी खरीद रहा है। इमरान की सरकार ने व्यापार शुरू करने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते शुरुआत नहीं हो सकी। पाकिस्तान के कारोबारी हिंदुस्तान से व्यापार चाहते हैं जिससे कम दामों में चीजें मिल सके। पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं सुनिए जरा कि कैसे भारत से संबंध, मोदी से रिश्ते दोबारा स्थापित करने में ही पाकिस्तान का फायदा है। सुनिए, कि कश्मीर को साइड पर रखें और भारत के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए और एक तरफ लेके जाना चाहिए पाकिस्तान और भारत को। लेकिन ये बार बार जो कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं, इनको अब इस वक्त बंद कर देना चाहिए। कश्मीर का गाना, कश्मीर का चूर्ण बेचना बंद करें। पहले जो कश्मीर हमारी साइड पर है उसमें कोई डेवलपमेंट दिखा दे, कुछ काम कर ले, उसके बाद फिर इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, यहाँ पे लोग राशन के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने में तैयार हुए हैं और इसको इस वक्त इनको कश्मीर सूझ रहा है, लेकिन ये उससे निकल नहीं सकते क्योंकि कश्मीर का चूर्ण बेच बेच कर ही इन्होंने जो है वो अपने डिफेंस बजट भी बढ़ाए और बाकी सारी चीजें भी आगे लेकर गए, तो एकदम से कैसे निकल जाएंगे उसमें से, इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के सोशल मीडिया में कैसे मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान में लोग क्या लिख रहे हैं देखिए। आरिश खान ने लिखा है, वो ध्यान से पढ़िएगा, वो मरियम भी ले लो, हिना रब्बानी भी ले लो, भले छीन लो हमसे यूसुफ गिलानी, मगर हमको लौटा दो कीमत पुरानी, वो आटा वो चीनी वो बिजली वो पानी। राघवेंद्र सिंह ने लिखा, जाओ प्रभु दारुण दुख देसी, वा कीमती पहले ही हर ले ही। मतलब जब बुरे कर्मों का वक्त आता है तो परमात्मा पहले ही बुद्धि हर लेता है। कमलजीत सिंह ने लिखा है, बंदर के हाथ बंदूक होगी तो ऐसा ही होगा,
भीख के लिए भी एटम बम की धमकी दे रहे। आनंद श्रीवास्तव ने लिखा, अजब तमाशे पाकिस्तान का खेल, आफत की पुड़िया निकल गई रेल। राघव मिश्रा ने लिखा, विदेशियों की झूठन के लिए जो तरस रहे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान की यही नई परिभाषा बन गई है। अमित ने लिखा, न गोश्त है न आटा न दाल, ऐसे है पाकिस्तान के हाल। अमित कुमार लिख रहे, शाबाश बेहाल है, भीख के लिए करें दर दर का दीदार। तो लोग शायराना भी हो गए हैं अब। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, पाकिस्तान में हालात जो है वो किसी से छिपे नहीं है। पाकिस्तान में गैस नहीं मिल रही है, एलपीजी नहीं मिल रही है, एलपीजी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, न गैस मिल रही है ना तेल मिल रहा है, ये स्थिति है। और इसीलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के अपने लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए जरा, हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। मेरे ख्याल पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। हाल कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है अनवर मकसूद साहब, बहुत अल्लाह का शुक्र है। इत्मीनान से? जी हाँ, नलकों में पानी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं और गाड़ी की टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। मेरे ख्याल पहले पाकिस्तानी हैं आप जिसके मुंह से मैंने ये सुना है कि बिजली भी आ रही है, नलकों में पानी भी आ रहा है, चूल्हे भी जल रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल में टंकियों में पेट्रोल भी फुल है। जी सही सुना आपने। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। तो आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं आटा भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है। उन्होंने पूछा कहाँ रह रहे हैं तो कह रहे हैं मैं तो दुबई में हूं। लेकिन पाकिस्तान को कंगाल करने वाले लोग कौन है जरा देखिए, ये सारे लाइन से जो आप देख रहे हैं ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान है। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ, भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है। नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया था। नवाज के साथ बेटी मरियम को भी सजा हुई थी, दामाद सफदर को भी कोर्ट ने सजा सुना दी थी। ऐसा है पाकिस्तान। देखिए जरा, पाकिस्तान के वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब करप्ट। परवेज मुशर्रफ जिनका निधन हुआ आज ही, भ्रष्टाचार के पिता कहे जाते थे परवेज मुशर्रफ। नवाज का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की कमान संभाली थी इन्होंने, इमरजेंसी लगाकर संविधान का उल्लंघन किया था, देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाई गई थी। आसिफ अली जरदारी, पूर्व राष्ट्रपति जरदारी के भ्रष्टाचार के कई किस्से हैं। 1990 में के दशक में जरदारी पर मामले दर्ज हुए थे, 20 साल तक चले मामले के बाद कई केस में बरी हुए। बेनजीर भुट्टो जरदारी की पत्नी, आतंकवादी हमले में इनकी मौत हुई। भ्रष्टाचार के केस की वजह से बेनजीर ने पाकिस्तान छोड़ दिया था। 1996 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान पाकिस्तान पर दाग लगा, दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में से एक था पाक। अब आ गए शाहबाज शरीफ। मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 7 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये पाकिस्तान के ठग्स हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आइए, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। हालात में से सबसे बड़ी चीज, भारत से गेहूं नहीं जा रहा है, दूसरे देशों से गेहूं खरीद रहे हैं। ये मार हो रही है गेहूं पर, देखिए इतनी मार हो रही है, इतने बुरे हालात हैं कि अब इस गेहूं पर लड़ाई जो हो रही है, आटे पर जो लड़ाई हो रही है, इस पे गाना बनने लगा। जो गाना वायरल है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए। आटा आटा टाटा हाय 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 आटा आटा टाटा। कभी कभी तो गैस आए, कभी कभी ये रोटियां पकाए। आटा आटा फकत मेरे घर से मुक जाइएगा, है आटा मुबारक टुक
कर खाइएगा आटा आटा हाय 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 आटा आटा मैं समझा था तुम हो तो क्या और गूंधूं मेरी जिंदगी में खुराक ही तुम हो आटा आटा। तो ये पाकिस्तान में हालात हैं कि लोग आटे पर गाना भी बना रहे हैं, लेकिन कैसे मोदी सहारा है। अब इन सब को सिर्फ मोदी पर यकीन कि शायद मोदी बचा ले। तो मोदी आखिर कैसे बचा सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, मोदी बचाने का तरीका ये, पाक में जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, माल ढुलाई मांग के चलते महंगाई और बढ़ गई, कारोबारियों की भारत से व्यापार की मांग है, सब्जियों के आयात की अनुमति मिले उनका कहना है, बाघा बॉर्डर से आयात आसान और सस्ता है, दूसरे देशों से सामान मंगवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। पाक व्यापारी ये दलीलें दे रहे हैं, भारत चीन में तनाव है फिर भी व्यापार जारी है, उनका कहना है भारत पाकिस्तान में तनाव है व्यापार बंद है, लेकिन तनाव तो भारत चीन में भी है लेकिन वहां तो व्यापार हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान के कारोबारी व्यापारी कह रहे हैं कि भाई कितना ही तनाव हो आटा तो मंगवा लो। भारत चीन के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर। पाक पत्रकार शहजाद चौधरी की यह सलाह है कि आर्थिक तरक्की पर भारत के साथ काम करे पाकिस्तान, भारत से व्यापार ही महंगाई का एक लौता हल है, भारत से गेहूं चीनी सब्जियां लेता है पाकिस्तान, केमिकल प्लास्टिक के सामान भारत से जाते हैं, मशीनी उपकरण इलेक्ट्रिक सामान मंगवाता है पाकिस्तान। लेकिन अब सवाल एक बुनियादी है, सवाल यह कि क्या भारत को मदद करनी चाहिए, क्या पाकिस्तान में जो हालात बने हुए इन हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मांग हो रही है कि मदद करे पाकिस्तान, क्या मदद करनी चाहिए मोदी को। तो भारत के लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मदद करनी चाहिए या नहीं, वो सुनिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जब हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान हमारी आज से नहीं हमारे इतने सालों से दुश्मनी है हमारी, तो हमें क्यों करनी चाहिए भला, ये टेररिस्ट है ये कभी हमारा साथ नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान की मदद पीएम मोदी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा से ही दूसरों के टुकड़े पे पलता है, तो उसने हमारे इंडिया को भी तो नुकसान पहुंचाया, जो हमारे घर में आके हमें मार रहा तो हम उसकी मदद क्यों ही करें। पाकिस्तान ने हमेशा पीछे से छुरा घोंपा है, ऐसा जिस हिसाब से छुरा घोंपा है तो मुझे नहीं लगता कि मदद करनी चाहिए। कभी नहीं करनी चाहिए, उसने पाकिस्तान ने हमारे देश को आतंकवाद बनाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को कोई मदद करने के तो अब नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मतलब जिस मर्जी से ले, चाइना से ले वरना मदद, चाइना से पहले मदद मांगता रहा था ना, भेजा द्वारा जी। पाकिस्तान की बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए उसकी, क्योंकि पाकिस्तान को हालांकि हिंदुस्तान से दोस्ती बनाकर रखना चाहिए, लेकिन वो शुरू से हिंदुस्तान से उन्होंने दोस्ती बनाकर रखा नहीं है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा क्या फर्क है, मतलब भारत और पाकिस्तान में वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन क्यों भारत बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की जो कंगाली का आलम है वो क्यों है? आप देख रहे हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान देखिए 3.5 अरब डॉलर। अब आप फर्क खुद समझ सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 5 पर है, पाकिस्तान 44वें नंबर पर। 2030 का अनुमान यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की हो जाएगी और पाकिस्तान 44वें से 50वें नंबर पर आ जाएगा। विकास दर भारत की 6.1% 2023 का अनुमान है और 1.9 पाकिस्तान की। IMF का अनुमान है कि सबसे तेज विकास भारत की होगी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान कर्ज का भारी बोझ पाकिस्तान पर है। हालत यह है कि IMF भी अब कर्जा देने से मना कर चुका है। GDP भारत की 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है, 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा, और पाकिस्तान की 34,000 करोड़। यहां लाख करोड़ में, वो हजार में। महंगाई दर 6.3% और पाकिस्तान में महंगाई दर देखिए 28%। $1.81 भारत में, पाकिस्तान में ₹276। ये है पाकिस्तान के हालात। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और तस्वीर, पाकिस्तान में हालात जो है देखिए इससे अंदाजा लगेगा। ये लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, यही तरीका, ये आप देख रहे हैं।
फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं लोग ट्रेन में और ट्रेन से किस तरीके से उतर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में हालात हैं क्या। तो दिखाता हूं कि दुनिया के जो देश हैं जिनसे पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है वो भारत को लेकर क्या कहते हैं। देखिए जरा चीन देखिए जरा, $30 अरब का कर्ज, नया कर्ज देने से चीन ने इनकार कर दिया और यही चीन भारत को आर्थिक ताकत मानता है। भारत की जीडीपी चीन से ज्यादा 2023 में होगी। अमेरिका देखिए, मदद देने से इनकार कर दिया अमेरिका ने, आईएमएफ मामले में को देख रहा है अमेरिका ने, यह कहकर पल्ला झाड़ लिया और यही अमेरिका भारत से 2023 में भारत की बड़ी भूमिका होगी, आर्थिक शक्ति बन रहा है भारत, यह कहना है अमेरिका का। सऊदी अरब देखिए जरा, $5 अरब की मदद शाहबाज ने को दी, शाहबाज सेना प्रमुख ने दौरा किया था तब $5 अरब मिले। यही सऊदी प्रिंस सलमान को बड़ा भाई कहते हैं मोदी को, $42.8 अरब का व्यापार है हमारा सऊदी से। यूएई देखिए, राष्ट्रपति अल नहन का दौरा रद्द हो गया, मदद की जो उम्मीद थी शाहबाज को वो भी टूट गई, लेकिन भारत के साथ यूएई मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया और भारत से व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। आईएमएफ देखिए जरा, 1.9 विकास दर और कर्ज के लिए शर्त रखी थी वो मना कर दिया कर्ज, और यही आईएमएफ ने भारत को 6.1 विकास दर, सबसे तेज विकास दर का आकलन किया है। तो ये जो हालात है पाकिस्तान में, ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है, पीछे खिसक गया है, यानी जिस दौर में तेज रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीछे जाकर बैलगाड़ी और गधा गाड़ी पर आ गया है। जो वीडियो वायरल है वो देखिए सर। खोता मोटर शॉप ये जी केस, ये पाकिस्तान की वाहिद दुकान खुली है खोता रेडी मोटर्स के नाम से, और स्पेशली ये खोते रेडियां जो है वो तैयार की गई है शहरियों के लिए, शहरियों के सफर के लिए। जिस तरह लोग गाड़ियों में सफर करते हैं इस तरह आप इस पे भी सफर करेंगे। जी सर बताइएगा, ये कौन सी कैटेगरी? ये सी कैटेगरी में, तो इसमें आपको पता है कि जरा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो इसको अब अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ये तकरीबन 25,000 से 30,000 तक की ये अवेलेबल है। तो अगर कोई लोग हमें ज्यादा कहें तो हम उनको थोड़ा डिस्काउंट दे भी सकते हैं, अगर वो हमें कहें कि हमारी अभी भी इतनी नहीं है इतनी अप्रोच, तो हम इसको और कम कर सकते हैं। जी ये है सी कैटेगरी, ये आपको मिलेगी 25,000 से 30,000 रुपए की। ट्रक जो है ना वो अब ए कैटेगरी पे आ रहे हैं, ये हमारी कैटेगरी और लेटेस्ट जो है ये फॉर्म है। तो इसमें आप देखें कि बगैर सीट्स वगैरह लगी हुई है, बड़ी कंफर्टेबल है ये, और इसका जो वैसे रेट है वो मैंने खास जो पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है आपको पता है महंगाई की वजह से कोई उनकी सुन सुनाई है नहीं, तो मैंने वैसे तो ये तकरीबन 1,00,000 तक की पड़ती है, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये तकरीबन 60,000 से 70,000 में ये अवेलेबल है। और इंशाल्लाह मैं इससे आगे एक इनिशिएटिव और लूंगा, मैं इसके अंदर इवन एसी वगैरह का भी जो है ना वो जो नेक्स्ट ईयर में वो एसी वगैरह लगा के और वो जरा बारिश वगैरह से भी बचने के लिए ना ऊपर मैं छत वगैरह भी लगवाऊंगा। सर आप गदर नहीं खरीद रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे यही गाड़ी है, फ्यूचर की गाड़ी यही है। क्या वाकई अपनी फैमिली के साथ खोता रेडी खरीद रहे हैं? हाँ देखिए, हम अपनी गाड़ी उसको आप पता नहीं वो चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी, इसलिए हमने कहा ये कहीं महंगी ना हो जाए, पहले कि ये महंगी हो जाए उससे पहले बुक करवा। अब एक सवाल कि आखिर पाकिस्तान का होगा क्या, पाकिस्तान के आगे क्या भविष्य है? अगर आईएमएफ का कर्ज नहीं मिला पाकिस्तान को तो पाकिस्तान में हालात बिगड़ जाएंगे, जनता सड़कों पर आ जाएगी जैसे श्रीलंका में आई थी, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है यानी शाहबाज की गद्दी चली जाएगी, हो सकता है मुनीर बैठ जाए, सेना सत्ता पर काबिज हो सकती है, पाकिस्तान पर तालिबान के हमले बढ़ेंगे, पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, सेना और आईएसआई पर सवाल उठे, पीओके में भारत में मर्जर की मांग हो रही है, ऐसे ही हालत रहे तो पीओके के लोग खुद भारत में आकर मर्ज होंगे, पीओके में लोग भारत के साथ जुड़ने के नारे लगा रहे हैं, लोग करगिल सड़क को खोलने की मांग कर रहे हैं, बाल्टिस्तान को लद्दाख के करगिल में मिलाने की मांग हो रही है, सिंध बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन छिड़ा हुआ है, सिंध प्रांत अलग देश की मांग कर रहा है, सऊदी और चीन जैसे खास दोस्तों को छोड़ दिया है इन लोगों ने, संकट में चीन ने भी मदद से इनकार कर दिया है। ये है पाकिस्तान के हालात जो सुधरने वाले नहीं है आसानी से। खबरों में आगे बढ़ते हैं,
आज की एक और बड़ी खबर, दो मोर्चों पर क्या अमेरिका और चीन में हो जाएगी भिड़ंत, जिनपिंग ने उकसाया और बाइडेन तैयार है। जो हालात बन रहे हैं वो हालात ये बता रहे हैं जैसे रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, क्या अमेरिका और चीन की, बाइडेन और जिनपिंग के बीच भी इस तरह का युद्ध हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दो दिन पहले, अगली तस्वीर दिखाई, दो दिन पहले मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको कि अमेरिका के आसमान में गुब्बारा देखा गया। ये गुब्बारा बताया गया चीनी गुब्बारा है और ये चीनी जासूस है। सोचिए, अमेरिका के आसमान में घुस गया, न सिर्फ घुस गया बल्कि जासूसी करता रहा, तो अमेरिका को कैसे बर्दाश्त होता है। अमेरिका ने इसे मार गिराया। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये मिसाइल गई और जिस मिसाइल ने इस गुब्बारे को गिरा दिया, ये देखिए ब्लास्ट हुआ गुब्बारा और उसके बाद पूरा गुब्बारा नीचे चला गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अगली तस्वीर फुल स्क्रीन लीजिए जरा, और इसमें देखिए कैसे धमाका हुआ और अमेरिका ने इस गुब्बारे को मार गिराया। इस गुब्बारे की पूरी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूं, और कैसे मारा है, किस मिसाइल से मारा है, किस एयरक्राफ्ट से फाइटर को भेजा अमेरिका ने मारने के लिए, पूरी कहानी इस गुब्बारे की मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस गुब्बारे को मारने के लिए कैसे रणनीति बनाई गई, अमेरिका ने क्या प्लानिंग की थी। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, उधर आप देखिए बाइडेन दूरबीन से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं गुब्बारा आया, और जैसे ही ये जासूसी भरा गुब्बारा आया और फौरन एयरक्राफ्ट आया जिसने इसे गिरा दिया। 28 जनवरी को जासूसी गुब्बारा ये अमेरिका में घुसा था, 28 तारीख को, और पिछले 28 दिनों से, ये पिछले 8 दिनों से ये गुब्बारा अमेरिका के आसमान में उड़ रहा था। 3 फरवरी को हुआ क्या, गुब्बारा मोंटाना क्षेत्र में देखा गया, यह अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है, यानी यही परमाणु भी है। शक था कि बलून से चीन जासूसी कर रहा है, चीन तक खुफिया जानकारी पहुंचाने का अंदेशा था कि यह खुफिया जानकारी पहुंचा सकता है। जासूसी गुब्बारे के बारे में बाइडेन को जानकारी दी गई कि सर एक गुब्बारा आसमान में आ गया है और चीनी गुब्बारा है और जहां परमाणु मिसाइलें रखी हैं उसी के ऊपर घूम रहा है। खतरा था कि गुब्बारा गिराया तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए क्या किया अमेरिका ने, शनिवार को बाइडेन ने अटैक का आदेश दिया कि गिरा दीजिए। आदेश के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने रणनीति तैयार की। रणनीति यह थी कि जासूसी गुब्बारा जब समुद्री क्षेत्र में आए तब इसे गिरा दो। गुब्बारे पर हमले से पहले 3 एयरपोर्ट बंद करवा दिए गए, अमेरिकी एयर स्पेस को भी बंद कर दिया गया कि आसमान में कोई जहाज नहीं उड़ेगा। अटलांटिक महासागर पर गुब्बारा पहुंच चुका था और जासूसी गुब्बारा 60 से 65 हजार फीट पर उड़ रहा था। सोचिए कितना ऊपर था। 2:39 के करीब अटैक कराया गया। अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान ने हमला किया इस गुब्बारे पर और हमले में AIM-9X साइड विंडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अटैक के बाद जासूसी गुब्बारे का मलबा इसी समुंदर में जाकर गिर गया। मलबा निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड को भेजा गया। उसके बाद जांच में पता यह लगा चलेगा कि गुब्बारे से चीन ने आखिर जानकारियां क्या जुटाई हुई है। यह थी तैयारी। अब आपको दिखाता हूं मैं ग्राफिक्स में, आपने देखा कि एक विमान, एक लड़ाकू विमान आ रहा था जो इसे मार गिरा रहा था। वो कौन सा लड़ाकू विमान है, ये है F-22, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये है अमेरिका का F-22 विमान। इस F-22 विमान से ही अमेरिका ने उस जासूसी, चीन के जासूसी गुब्बारे को ढेर कर दिया। तो ये जो F-22 है अमेरिका का, ये बहुत खास है। इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा कि F-22 जो अमेरिका का है बहुत अत्याधुनिक विमान है। कौन सी खासियतों से लैस है, और इस विमान को, इस फाइटर को ही लगाया गया चीनी गुब्बारे को उड़ाने के लिए। तो इसकी खासियत देखिए जरा, ये है F-22। F-22 पांचवीं पीढ़ी का एक जेट है। दरअसल 1500 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है, 65,000 फीट तक यह उड़ान भर सकता है। इसके अलावा किसी भी मौसम में यह अटैक करने की ताकत भी रखता है और किसी भी क्षेत्र में हमला करने की क्षमता भी इसमें है। हवाई युद्ध के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यह हवा से हवा में हमला करने की ताकत रखता है, हवा से जमीन पर भी यह अटैक कर सकता है। यह एक सिंगल सीटर फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट में 2 इंजन लगे होते हैं। अमेरिका ने बिक्री पर इसके बैन लगा रखा है, अमेरिका इसे एक्सक्लूसिवली अपने साथ रखना चाहता है।
इस फाइटर का इस्तेमाल किया, लेकिन आपको बताता हूं मैं कि आखिर मिसाइल कौन सी थी, इस फाइटर में कौन सी मिसाइल लगी थी जिस मिसाइल से मारा है उस जासूसी गुब्बारे को। ये देख रहे हैं आप मिसाइल, ये मिसाइल है। इस मिसाइल की खासियत क्या है जिस मिसाइल से मार गिराया है, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत अत्याधुनिक मिसाइल है और इस मिसाइल की क्षमता देखिए जिसे इस्तेमाल किया गया उस जासूसी बलून को गिराने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये है वो मिसाइल, इसका नाम है AIM-9X साइड विंडो मिसाइल। ये एक सिस्टम गाइडेड मिसाइल है, यानी इसका इसमें इसी में मतलब छिपा है, सिस्टम से गाइड होती है। अमेरिकी कंपनी रेथियोन ने इसे बनाया है। एक मिसाइल की कीमत है 3,13,00,000। इसकी लंबाई 3 मीटर है, वजन 85 किलोग्राम है इस मिसाइल का। यूएस एयरफोर्स और नौसेना इसका इस्तेमाल करती है। मिसाइल इंफ्रारेड तकनीक पर काम करती है और लड़ाकू विमान से इस मिसाइल को फायर किया जाता है, उसी तरह जैसे गुब्बारा मार के गिराया गया लड़ाकू विमान से। मिसाइल फायर होने के बाद हीट का पीछा करता है और लड़ाकू विमान के इंजन से गर्मी निकलती है, इसी गर्मी का मिसाइल पीछा करने लगती है और हीट के सहारे ही मिसाइल अटैक होता है। यस, पहला इसका परीक्षण नवंबर 2008 में अमेरिका ने किया था। सितंबर 2015 में अमेरिकी सेना में इसे शामिल किया गया। 24 देशों की सेना इस मिसाइल को इस्तेमाल करती है। यह है इस मिसाइल की खासियत। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जो हालात बने हुए चीन और अमेरिका में, क्या ये जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनिए, देखें इसके जो डेब्रिस गिरा है वो समुंदर में है, अब वो ढूंढा जा रहे हैं उसके जो पार्ट्स हैं, या इससे क्या पता चलेगा कि आने वाले समय में कि क्या इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल हथियार तो नहीं थे, या इसके अंदर क्या कैमरे थे, क्या स्पाइंग कर रहा था ये चीन, तो ये बात तो आगे आएगी। मगर ये सच्चाई है, दोनों देशों के बीच में अब रिलेशन और ख़राब हो गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि एक प्रकार से हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया है जो चीन के ये स्पाई बलून ने, और ये स्पाइंग कर रहा था यूएस की, जबकि चीन कह रहा है कि ये एक प्रकार से जो बलून था वेदर मॉनिटरिंग एयरशिप था और ये गलती से हवा के कारण अंदर आ गया जो एयर स्पेस थी यूएस की, और जो यूएस ने कार्रवाई की है वो वायलेशन है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स की। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये गुब्बारा, आप भी सोच रहे होंगे अमेरिका इतना बड़ा मुल्क, इतना ताकतवर देश, इस गुब्बारे को पकड़ क्यों नहीं पाया। हमारे यहाँ ड्रोन भी घुसता है तो हम मार गिराते हैं। इस गुब्बारे को ना पकड़ पाने के पीछे वजह क्या है, देखिए अमेरिकी एयर स्पेस में आसमान में कैसे घुस गया, वजह यह है ये जो स्पाई बलून है ये 60,000 से 80,000 फिट पर उड़ता है, 60,000 से 80,000 फिट, इतना ऊपर कि पकड़ना मुश्किल। क्यों? क्योंकि फाइटर जेट 50 से 60,000 फिट पर उड़ते हैं, जो पैसेंजर प्लेन है ये 20 से 30,000 फिट पर उड़ता है। वो 60 से 80 पर उड़ रहा था बलून, इसलिए पकड़ में नहीं आया। और इस गुब्बारे के मार गिराए जाने के बाद दोनों तरफ से रिएक्शन आया है, अमेरिका ने भी रिएक्ट किया है और चीन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों देश क्या कुछ कह रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, अमेरिका कह रहा है बलून को तबाह करने में हम सफल रहे हैं और मिशन पूरा करने वाले पायलट्स को भी अमेरिका ने बधाई दी। चीन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। सोचिए, एक तो गुब्बारा भेज दिया, जासूसी गुब्बारा भेज दिया, मार गिराया, तो चीन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। हमारे पास भी कार्रवाई का अधिकार है, चीन कह रहा है, हम भी जरूरी एक्शन ले सकते हैं, यह चीन ने कहा है। अब जरा सुनिए, आपको सुनवाता हूं जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। When I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided without doing damage to anyone on the ground. They decided that the best time to do that was as it got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it, and we'll have more to report on this a little later. आइए अब मैं आपको बताता हूं, ये जो गुब्बारा उड़ रहा था आपको ये सामान्य गुब्बारा लग रहा होगा, लेकिन ये सामान्य गुब्बारा नहीं था, ये बहुत खास किस्म का जासूसी गुब्बारा था। सोचिए चीन कहां से कहां पहुंच गया, जासूसी के लिए भी गुब्बारा बना लिया उसने। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं करीब 3 बस के बराबर चौड़ा था, ये 3 बस, चौड़ाई तकरीबन 120 फीट के करीब थी, इसकी लंबाई 130 फीट थी इस गुब्बारे की,
और बलून में हीलियम गैस भरी हुई थी। 60 से 80 हजार फीट पर उड़ रहा था यह बलून। चीनी बलून में सोलर पैनल भी लगा हुआ था बताया जा रहा था, जिससे इसे ऊर्जा मिल रही थी, यानी लंबे समय तक आसमान में रहने की ताकत थी इसमें। इस स्पाई बलून में सर्विलांस उपकरण भी लगे थे, यानी निगरानी करने के, जासूसी के उपकरण। चीनी बलून में सेंसर और रडार भी लगा हुआ था। साइज इतना बड़ा, साइज इसका इतना बड़ा था कि परमाणु हथियार भी इसमें रखे जा सकते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं कर रहा है चीन। आपको याद होगा इस तरह की जासूसी चीन दुनिया के देशों के साथ करता है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा ये जो शिप आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऐसा शिप भारत के समंदर के नजदीक देखा गया था। क्यों? क्योंकि भारत उस दौरान अपनी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा था, चीन ने यह जासूसी शिप भेज दिया। तो सोचिए जरा, चीन के पास दुनिया के देशों की जासूसी करने के लिए कौन कौन से उपकरण है। आइए, कैसे जासूसी करता है ड्रैगन? ऐप के जरिए, मोबाइल ऐप। अगर आपके मोबाइल में ऐप है, चीनी ऐप है, तो हो सकता है उससे भी जासूसी कर रहा हो। चीन ऐप के जरिए जासूसी करता है। तमाम देशों का डेटा चीन को शेयर होता है। ऐसी ऐप्स लगातार, ऐसी ऐप्स पर कार्रवाई की जा रही है। टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसी ऐप बैन हो गई है। 200 से ज्यादा ऐप भारत में प्रतिबंधित हो चुकी है। जासूसी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से पहले जासूसी की। हिंद महासागर में जासूसी जहाज उतार दिया चीन ने। सैटेलाइट रॉकेट मिसाइल ट्रैक कर सकता है जासूसी जहाज। सवाल उठा तो कहा समुद्री शोध कर रहे हैं। इसी तरह का यह गुब्बारा भी था जो जासूसी के लिए भेजा गया था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अब आपको बताने जा रहा हूं आज की एक और बड़ी खबर। खबर यह है कि एक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ, जिसकी आज मौत हो गई। भारत के साथ जो परवेज मुशर्रफ के रिश्ते और संबंध रहे हैं वो ऐसे हैं कि परवेज मुशर्रफ की शान में भला कौन कसीदे पढ़ सकता है। परवेज मुशर्रफ की आर्मी चीफ के तौर पर तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो तस्वीर है जब परवेज मुशर्रफ ने अपने मुल्क की सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ये वो तस्वीर है जब एक सरकार गिराकर एक आर्मी चीफ तानाशाह उस मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष बन गया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पाकिस्तान, ये मुशर्रफ की तस्वीर जब उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति के तौर पर, और अभी उनकी जो तबीयत खराब थी वो तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये परवेज मुशर्रफ जिस वक्त अस्पताल में भर्ती थे, परवेज मुशर्रफ अस्पताल में दुबई में इलाज करा रहे थे, दुबई में उनकी मौत हुई है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, परवेज मुशर्रफ की तारीफ भारत में कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इनको शांति दूत बता रहे हैं परवेज मुशर्रफ को। आपको बताऊं कि परवेज मुशर्रफ की, पहले बताता हूं मौत कैसे हुई, उसके बाद आपको बताऊंगा कि परवेज मुशर्रफ की तारीफ कौन कांग्रेसी कर रहा। 79 साल की उम्र में दुबई में अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे परवेज मुशर्रफ। 2022 से दुबई के अस्पताल में भर्ती थे। इनको अमाई लॉयडोक्सिस नाम की बीमारी थी। ये कैंसर जैसी बीमारी होती है दरअसल, और कई अंगों ने उनके काम करना बंद कर दिया था। कीमोथेरेपी से उनका इलाज किया जा रहा था, लंबे वक्त तक उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई, उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन से कांग्रेसी हैं जो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। शशि थरूर को आप देख रहे हैं, शशि थरूर को शांति दूत नजर आ रहा है, किसमें? परवेज मुशर्रफ में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। न सिर्फ शशि थरूर, महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थी, चल रही है बगल में, तो महबूबा मुफ्ती को भी परवेज मुशर्रफ बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको बताता हूं। थरूर कह रहे हैं, वो एक बार भारत के कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन 2002-2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बनकर उभरे। यूएन में तब मैं हर साल उनसे मिला, उन्हें रणनीतिक सोच में स्मार्ट और स्पष्ट जाना। शशि थरूर उनके लिए इस्तेमाल कर रहा था। महबूबा मुफ्ती कह रही, मुशर्रफ ने कश्मीर मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश की थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार भारत पाकिस्तान को मंजूर समाधान देना चाहते थे। वो मुशर्रफ समाधान देना चाहते थे जिसने भारत को करगिल दिया था। अब सुनिए जरा बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता क्या कह रहे हैं। अगर वो शांति लाना चाहते थे, कम से कम अपने देश में शांति लाते, वहां से तो उनको निकाल दिया गया।
लेकिन आज भी जो हमारे यहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाली लॉबी है वो जरूर एक्टिव हो जाती है। भारत के विरुद्ध किस प्रकार से बात करने का उनको मौका मिले, उनको एक समय चाहिए, और आज उनके देहांत पर ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मुशर्रफ ही थे जिन्होंने कारगिल युद्ध को, लेकिन बाद में मुंह की खाई। भारत की तरफ से हमेशा शांति का प्रयास रहा है, लेकिन इन्हीं लोगों के कारण से वो जो भारत पाक के रिश्ते थे वो खराब होते रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, शशि थरूर को शांति दूत जो शख्स नजर आ रहा है, उस शख्स ने भारत को करगिल दिया था। भारत के बहुत से युवा, बहुत से जवान जो करगिल में थे वो शहीद हुए थे। क्या शशि थरूर उन लोगों के, उन परिवार के सामने जाकर ये बात कह सकते हैं, ये हिम्मत रखते हैं? करगिल का अगर कोई विलन था तो वो परवेज मुशर्रफ था। देखिए जरा कैसे परवेज मुशर्रफ ने करगिल में, ये करगिल में भारत ने फतह की, भारत ने करगिल की चोटी पर झंडा फहराया, भारतीय जवानों ने कब्जा किया। परवेज मुशर्रफ करगिल युद्ध के मास्टरमाइंड थे और मुशर्रफ की गलती से पूरा पाकिस्तान खत्म होने वाला था। मुशर्रफ की वजह से भारत परमाणु हमला करने वाला था। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी करगिल की जंग, तब मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। वो एक साल से जंग की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार को भी मुशर्रफ ने धोखा दिया, पाक एयरफोर्स और नेवी से भी प्लान को छिपाया गया। करगिल में थल सेना आतंकियों की घुसपैठ कराई, धोखे से कुछ इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। उस दौरान भारतीय सेना करगिल में करारा जवाब दे रही थी और भारतीय सेना करगिल में घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को और उस दौरान जो आतंकी थे उन्हें मार गिराया। भारत ने मिग 27 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। करीब 3 महीने की जंग में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। टाइगर हिल पर भारतीय सेना ने फिर कब्जा कर लिया और 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, 250 भाग गए थे। कूटनीति में भी भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान ने तब अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें बचा लो। अमेरिका ने कहा था वाजपेयी जी बहुत नाराज हैं, पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो भारत परमाणु हमला कर देगा। अमेरिका तभी कुछ करेगा जब पाकिस्तान पीछे हटे। अमेरिका ने यह पाकिस्तान को साफ साफ सलाह दी थी कि पीछे हटो तभी अमेरिका आगे आएगा। पाकिस्तान जंग भी हारा और पीछे भी हटा। मुशर्रफ ने हार का ठीकरा नवाज शरीफ पर फोड़ दिया था। अब आपको सुनवाता हूं, मुशर्रफ ने खुद स्वीकार किया था कि मुशर्रफ ने करगिल की साजिश रची थी और उन्हें शशि थरूर को वो शांति दूत लग रहे हैं। सुनिए जरा, एक बूढ़े ने मुझसे सवाल किया था कि करगिल जंग जिसने भी शुरू की है वो इस मुल्क का दुश्मन है, पहला क्या वाकई सही है? कारगिल था जहां से, अब आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं, 5 जगह में हम अंदर थे, चाहे कैसे भी वो मुजाहिदीन थे या एनएलआई थे, आपकी है ना, आप अस्तोर के रहने वाले हो, एनएलआई के लोग उसी आपके इलाके के हैं ना, वो एनएलआई के बहादुर लोग जो हैं उधर थे, उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों में हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो थी, हम आगे जाते, हम सियाचिन में जो उनकी ब्रिगेड बैठी है उसको काट देते पीछे से। और अब मैं आपको बताता हूँ परवेज मुशर्रफ भारत के कितने बड़े विलन रहे हैं, जंगों में परवेज ने क्या भूमिका निभाई है। 1965 की जो जंग हुई उस वक्त परवेज मुशर्रफ लेफ्टिनेंट के पद पर थे और तब भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई, भारत ने पाकिस्तान को धोबी पछाड़ दिया। 1971 में जब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान भारत ने तोड़ा, बांग्लादेश बनाया, तब भी परवेज मुशर्रफ कैप्टन थे, तब भी पाकिस्तान हारा। 1999 में करगिल वॉर हुआ, उस वक्त परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, वहां भी पाकिस्तान को हार मिली। 3 जंगे पाकिस्तान भारत से हारा है और उन सब में परवेज मुशर्रफ की भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस को तो मुशर्रफ पसंद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आइए आज की एक और बड़ी खबर है, बाल विवाह पर हंटर सियासी बवंडर मचा हुआ है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि आखिर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक्शन लेना शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी समान नागरिक संहिता के हक में, अगली तस्वीर दिखाइए जरा,
असम में एक्शन हो रहा है बाल विवाह पर, हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसलिए विरोधी बौखलाए। अगली तस्वीर दिखाइए, असम में देखिए ये गिरफ्तारियां हुई हैं बाल विवाह में, जिन्होंने नाबालिग लड़कियों से शादी की है उस मामले में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अब तक क्या एक्शन हुआ है बाल विवाह पर, कितनी अरेस्टिंग हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कैसे ये एक्शन हो रहा है, और उस पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की है समान नागरिक संहिता पर। 8,134 की लिस्ट तैयार की गई, 4,047 केस दर्ज हुए, 2,278 गिरफ्तारियां हो चुकी, 3,500 गिरफ्तारी की और तैयारी हो रही है, 60 काजी पादरी भी गिरफ्तार किए गए हैं, बेशक शादी करवाने में शामिल रहे होंगे। अब जरा सुनिए हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं और ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा? और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। जो आसाम में एक्शन हो रहा है ये, इसमें 58% मुसलमान समुदाय से है, 42% हिंदू समुदाय से है। फर्क इतना ही है, जो भी हिंदू परिवार से हमने लोगों को गिरफ्तार किया है वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं मसाया, सब सब आके थाने में अपना पक्ष रखा या जो भी कारोबारी हुआ वो होते रहा। मुसलमान का भी एक बहुत बड़ा वर्ग ने पुलिस का साथ कोऑपरेट किया, लेकिन एक दो डिस्ट्रिक्ट का मुसलमान समाज का लोगों ने टीवी में जाके, थाना का सामने जाके बहुत हल्ला किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इधर बाल विवाह पर एक्शन हो रहा है, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई थी, समान नागरिक संहिता पर इस पर चर्चा हुई, इसमें असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे, मदनी मौजूद थे। आखिर आइए अब आपको बताते हैं कि बाल विवाह पर जो एक्शन हो रहा है उस पर एतराज किस बात पर है, उस पर बवाल किस बात पर है। दरअसल कुप्रथा पर एक्शन हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की उम्र है 15 साल, महिला आयोग ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई, सभी धर्मों में शादी की उम्र एक जैसी है, 18 साल करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी यानी एक जैसे कानून के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ हेमंता के एक्शन का विरोध भी है, और ये वजह है कि इनका कहना है कि आखिर बाल विवाह के खिलाफ हेमंता के एक्शन पर जो विरोध हो रहा है उस पर एकजुट हों और समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। असम में भी कई लोग हेमंता के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है बाल विवाह के पुराने मामलों में अब आखिर कार्रवाई क्यों हो रही है, जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन महिलाओं का आगे क्या होगा, पति गिरफ्तार हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, गर्भवती महिलाओं या जिनके बच्चे हैं या उनका आखिर क्या होगा अगर गिरफ्तारी हो गई। तो ये वजह है कि चारों तरफ हल्ला और हंगामा हो रहा है, लेकिन हेमंता सरकार कार्रवाई कर रही है इस मामले में। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।